नागपुर स्थित डॉक्टर वसंतराव देशपांडे सभागृह में उपेंद्र कोठेकर और मनीषा कोठेकर लिखित काव्य पुस्तिका एवं ध्वनि फीत प्रकाशन समारोह आयोजित किया गया था। इस समय मुख्य अतिथि के तौर पर उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और मंत्री सुधीर मुनगटीवार विशेष रूप से उपस्थित रहे। इस कार्यक्रम की शुरुआत साजरंग एल्बम के गीतों से और हिंडोल पेन से अंकिता टकले टिकेकर, अमर कुलकर्णी, मिलिंद भेंडे, प्रसन्न जोशी, मुकुल पांडे, पुष्कर देशमुख, मनोज पिदड़ी, प्रवीण लिहितकार, अशोक डोके आदि कलाकारों द्वारा स्वरमय गीतों और वाद्य संगति से हुई। लाखे प्रकाशन द्वारा प्रकाशित काव्य संग्रह उबर ठ्यांच्या पल्याड, दिक्कालयाच्या मांडवात, अवृत्य द्वित्य, साथ ही साथ राष्ट्ररंग साजरंग इन ध्वनी फीतों का प्रकाशन भी इस वक्त किया गया। औपचारिक कार्यक्रम की शुरुआत उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, मंत्री सुधीर मुनगटीवार, साथ ही साथ उपेंद्र कोठेकर, मनीषा कोठेकर, उर्मिला आपटे, श्याम धोड़े, मोरेश्वर निस्ताने आदि मान्यवरों द्वारा दीप प्रज्वलन कर किया गया। काव्य संग्रह के विमोचन के समय सभी कलाकारों की ग्रुप फोटो प्रमुख अतिथियों के साथ ली गई। शुभकामनाएं देते हुए सांस्कृतिक मंत्री सुधीर मुनगटीवार ने काव्य गीतों को विवेक का दरवाजा बताया, जो पेड़ पौधे को वन में नहीं तो इंसानों की भीड़ में रची गई है। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस समय बोलते हुए कोठेकर दंपति और लाखों प्रकाशन को शुभकामनाएं दी। अपनी युवावस्था की यादें ताजा करते हुए उप मुख्यमंत्री ने अपनी कविता लेखन की रुचि विदित की। इस समय सूचक तंज कसते हुए फडणवीस ने कहा कि मैंने सभागृह में मैं पुनः आऊंगा ये कविता बोली थी, जिस पर लोगों ने अपने मन मुताबिक प्रतिक्रिया दी थी, लेकिन फिर मैंने देखा कि मैं भी आया और बाकियों को भी लेकर आया। वर्तमान उठापटक को सूचक इस तंज से जनता की हंसी खिलखिला कर उठी। 30-35 वर्षाचा आहे, पण जवळपास 15-20 वर्ष भाजपच्या बैठकीमध्ये ज्यावेळेस बसायचो त्यावेळेस शेवटी बसायचो, आणि मग ते आणि आम्ही सगळे काही ना काही कविता लिहायचो। कदाचित मला असं वाटतं की ते जे त्यांचं पॅड आहे ते जर पॅड सापडलं तर आता या कवितांमध्ये व्यंग कमी आहे, म्हणजे व्यंगात्मक कविता देखील आहे, पण पूर्णपणे चपखल व्यंगात्मक कविता ज्या डॉक्टर कोठेकरांनी लिहिलेल्या आहेत त्या त्या पॅडवर सापडतील। आणि म्हणून मला असं वाटतं की नक्कीच त्याही मनीषाताई जर कुठे असतील तर त्या आपण शोधून काढाव्या, त्याचंही प्रकाशन आपण निश्चितपणे या ठिकाणी करू। परंतु डॉक्टर उपेंद्र कोठेकर यांना विद्यार्थी परिषदेपासून मी ओळखतो आणि ते आमचे मार्गदर्शक देखील त्या काळामध्ये। 4 तास मनापासून इथं बसत आपण साधारणतः 10 वाजता कार्यक्रम संपेल, 4 तास मनापासून बसत कविता कवितेच्या पुस्तकाचं प्रकाशनही झालंय, आणि तेही या लाख मोलाच्या शब्दाच्या कवितेचं प्रकाशन लाखे प्रकाशननी केलंय। आणि म्हणून या पुस्तकाच्या प्रकाशनानंतर माझा एक आग्रह आहे की जशी ही गर्दी आपण बघितली, इतक्या मोठ्या गर्दीत इतक्या मोठ्या संख्येने पुस्तकाचं प्रकाशन होत आहे, अजून एक रेकॉर्ड सर्वांनी मोडायचा कि प्रकाशन समारोह संपल्यानंतर बाहेर पुस्तक विक्रीसाठी ठेवले आहे ते मात्र विकत घेऊन जायचं, हाही एक रेकॉर्ड मोडला पाहिजे। NBC News के लिए अजित कुवर के साथ मनीष टेंबरे की रिपोर्ट।